उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वाराणसी के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। वाराणसी के प्रवास पर आए जेपी नड्डा सीएम योगी के साथ इस मंदिर में पहुंचे तो यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की, लेकिन उसके बाद सीएम योगी जेपी नड्डा को अपने एक पुराने दोस्त से मिलवाने ले गए। ये दोस्त एक छोटा बच्चा था जो काल भैरव मंदिर के बाहर अक्सर डमरू बजाकर सीएम योगी का स्वागत करता था। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ 9 जनवरी को वाराणसी के प्रवास पर गए तो यहां पर एक बच्चे ने डमरू बजाकर सीएम योगी का स्वागत किया। योगी इस बच्चे को देखकर रुक गए, उससे बातचीत की, उसका नाम पूछा और उसकी सराहना की। योगी के दिमाग में यह बच्चा उस वक्त से ही था। 9 जनवरी के 11 दिन बाद सीएम योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक बार फिर वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी ने यहां पर काल भैरव मंदिर के बाहर फिर इस बच्चे से मुलाकात की तो जेपी नड्डा से उसका परिचय भी कराया। योगी ने इस बच्चे की तारीफ की, उसकी प्रतिभा की तारीफ की, इस बात की भी तारीफ की कि उसने अंदर काशीत्व को बचा के रखा है, काशी की उस भावना को जो देवाधिदेव महादेव के परंपरा की संवाहक है। कहते हैं काशी का हर बच्चा महादेव का रूप है। कहते हैं कि काशी के हर रूप में शंकर हैं, काशी के हर कण में महादेव और काशी की हर भावना में हर हर महादेव का घोष। वाराणसी में सीएम योगी ने शिव के इसी रूप को देखा। महादेव के इस छोटे से गण को सीएम योगी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाया तो जेपी नड्डा भी इस बच्चे को देखकर उत्साहित नजर आए। काशी का ये रूप अनोखा है। सीएम योगी और जेपी नड्डा ने इस रूप को जीने की कोशिश की। काल भैरव मंदिर से लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेका, गलियों में चाय की चुस्कियां ली और काशी को फिर एक बार हाथ उठाकर हर हर महादेव का अभिवादन भी दिया। वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। बीजेपी के तमाम नेता अक्सर इसी रूप में नजर आते हैं। कहते हैं वाराणसी अपने यहाँ आने वाले लोगों को अपने रंग में रंग लेती है। बीजेपी पर यह रंग साफ दिखता है। इसी कारण सीएम योगी इस नन्हे से बच्चे को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाने से नहीं रोक पाए। वाराणसी से संवाददाता अभिषेक झा के साथ NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।